आर्थिक एकेडमी में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम लोग जो पीईटी एग्जाम, कौन सा पीईटी एग्जाम, 29 अक्टूबर 2023 को हुआ, 2023 को हुआ, तो फर्स्ट शिफ्ट के पेपर को हम लोग सॉल्व करते हैं। इसे फर्स्ट पेपर को हम लोग सॉल्व करते हैं जो पीईटी यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा आयोजित कराया गया। तो सबसे सटीक आंसर देने का आप लोगों के बीच प्रयास किया गया है हमारी टीम के द्वारा। तो आइए हम लोग पीईटी के पेपर को सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और सॉल्व आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को शेयर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा और कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा अपना अपना स्कोर आप लोग। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। तो पहला प्रश्न है, वेद के अंतिम भाग को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है, किसे वेद के अंतिम भाग को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है, वेद के अंतिम भाग को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है। तो वेद के जो अंतिम नाम है तो उसे हम लोग ऑप्शन नंबर ए उपनिषद, क्या है ऑप्शन नंबर ए उपनिषद, क्या है उपनिषद के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल सम्राट बाबर ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर राणा सांगा और उनके सहयोगियों को हराया था, तो किस स्थान पे उनके सहयोगियों को हराया था। बाबर और किसके द्वारा, राणा सांगा। तो बाबर ने देखिए चार युद्ध लड़े थे, पहला था आपका जो कि पानीपत का युद्ध, ये खानवा के युद्ध में हुआ था 1500 जो कि 27 में लड़ा गया था, कब 1527 में। इसी में बाबर ने जिहाद का नारा दिया था, इसका जिहाद का नारा दिया था, और इसी युद्ध के विजय मिलने के बाद इन्होंने गाजी की भी उपाधि धारण की थी, किसकी, गाजी की। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित मराठा प्रमुखों का उनके क्षेत्रों के संबंध में मिलान करें, तो मराठा क्षेत्रों के उसके संबंध में मिलान करें, तो ये है जो कि ऑप्शन नंबर सी, क्या है ऑप्शन नंबर सी, पहले का डी मिलान कर लीजिएगा तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस बौद्ध स्थल पर महिलाओं को पहली बार संघ में नियुक्त किया गया था, पहली बार संघ में नियुक्त किया गया था, तो ये है ऑप्शन नंबर ए वैशाली में, कहां पे, वैशाली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुरहानपुर में स्थित असीरगढ़ के किले जिसे दक्कन का दरवाजा के नाम से जाना जाता है, निम्नलिखित में से किस यदुवंशी अहिर राजा द्वारा बनवाया गया था। तो बुरहानपुर जो कि औरंगाबाद में स्थित है, ये महाराष्ट्र में है, यहाँ पे रबिया दुरानी का मकबरा भी स्थित है, तो यह किसके द्वारा, यह है ऑप्शन नंबर सी आशा अहिर, किसके द्वारा, तो ऑप्शन नंबर सी आशा अहिर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोतीलाल तेजावत
भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व थे। वह भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो मोतीलाल तिजावत भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व थे। यह भारत के किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो यह भारत के, जो कि ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा 1892 के सुधार का विस्तार था? तो 1892 के सुधार का विस्तार था, तो ये है ऑप्शन नंबर सी, 1909 भारत परिषद अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1920 में उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में पहला किसान मार्च किसके द्वारा आयोजित किया गया था? तो किसके द्वारा आयोजित किया गया था? तो यह है ऑप्शन नंबर ए, जवाहरलाल नेहरू। किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में मंडी षड्यंत्र हुआ? तो किसके नेतृत्व में मंडी षड्यंत्र हुआ? क्वेश्चन नंबर 9 है, तो यह है ऑप्शन नंबर ए, गदर पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया था? 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया था, तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, मुस्लिम लीग। क्या है? ऑप्शन नंबर बी, मुस्लिम लीग। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2021-22 तक भारत में 1319 रिपोर्टेड प्रतिवेदित खदाने हैं, इनमें से सबसे अधिक 263 खदाने भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो सबसे अधिक जो खदाने हैं भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो सबसे ज्यादा खदान, जो कि ऑप्शन नंबर सी, झारखंड। सबसे ज्यादा खदाने जो कि झारखंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कह रहा है? निम्नलिखित नदियों को उन राज्यों के आधार पर सुमेलित करें जिनमें वे बहती हैं। तो ये जो कि आपको नदी है जो बहती हैं, तो ये है ऑप्शन नंबर जो कि डी। क्या है? ऑप्शन नंबर डी, जो कि कामेंग असम में बहती हैं और बैतरणी आपकी जो कि दो का सी छत्तीसगढ़, तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चबी मूरा जो कि गोमती नदी के तट पर खड़ी पहाड़ी दीवार पर चट्टान पर की गई नक्काशी के पैनलों के लिए प्रसिद्ध है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो चबी मूरा जो कि गोमती नदी के तट पर खड़ी पहाड़ी दीवार पर चट्टान पर की गई नक्काशी की पैनलों के लिए प्रसिद्ध है, भारत के निम्नलिखित में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो यह है ऑप्शन नंबर ए, त्रिपुरा। क्या है? ऑप्शन नंबर ए, त्रिपुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेक तुरकाना दुनिया की सबसे बड़ी रेगिस्तानी झील है, यह दुनिया के निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? लेक तुरकाना, तो यह जो कि झील ऑप्शन नंबर सी, केन्या में स्थित है। क्या है? ऑप्शन नंबर सी, केन्या में स्थित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके द्वारा 1936 में पहली बार भारत के वन प्रकारों का वर्गीकरण किया गया था? तो 1936 में पहली बार भारत के वन प्रकारों का वर्गीकरण किया गया था, तो जो कि भारत में पहली बार वनों का वर्गीकरण सर एच जी चैंपियन, ऑप्शन नंबर बी, किसके द्वारा? सर एच जी चैंपियन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रव्यापी जीएसटी का विचार निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो जीएसटी का विचार निम्नलिखित में किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो जो कि यह ऑप्शन नंबर सी, केलकर टास्क फोर्स, किसके द्वारा? केलकर टास्क फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की दुग्ध क्रांति के चरण 1970 से 1980 को विश्व खाद्य कार्यक्रम के माध्यम से निम्नलिखित में से इसके द्वारा उपहार में दिए गए स्कीम दूध पाउडर व मक्खन तेल बटर आयल की बिक्री से वित्त पोषित किया गया था? क्वेश्चन है, भारत की दूध क्रांति के चरण वन में 1970 से 80 के विश्व खाद्य कार्यक्रम के माध्यम से निम्नलिखित में से किसके द्वारा उपहार में दिए गए स्कीम्ड दूध पाउडर और मक्खन तेल बटर आयल की बिक्री से वित्त पोषित किया गया था? तो यह है ऑप्शन नंबर बी, यूरोपीय संघ। क्या है? ऑप्शन नंबर बी, यूरोपीय संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पंचवर्षीय योजनाओं में किस संस्करण को गाडगिल योजना के नाम से भी जाना जाता है? तो गाडगिल योजना के नाम से जाना जाता है, तो यह है ऑप्शन नंबर सी, तीसरी। क्या है? ऑप्शन नंबर सी, जो कि तीसरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1981 की किस अधिनियम के माध्यम से संसद द्वारा राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के निर्माण को मंजूरी दी गई थी? तो नाबार्ड के निर्माण को मंजूरी दी गई थी, तो यह है अधिनियम 61, ऑप्शन नंबर ए। क्या है? अधिनियम 61, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंकों के राष्ट्रीयकरण के प्रथम चरण के दौरान किस बैंकों का राष्ट्रीयकरण नहीं किया गया था? तो किस बैंकों का राष्ट्रीयकरण नहीं किया गया था? तो ये है ऑप्शन नंबर डी, विजया बैंक। विजया बैंक का जो राष्ट्रीयकरण किया गया था, यह था दूसरे चरण में। कब? दूसरे चरण में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता राज्यसभा को विधान परिषद से अलग करती है? तो राज्यसभा को विधान परिषद से अलग करती है, तो यह है ऑप्शन नंबर डी, महाभियोग की शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन डॉट किया गया उद्घाटन संसद भवन अब पुराना में प्रिंसेस के चैम्बर में हुआ था? तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय का जो उद्घाटन था वह कब किया गया था? तो यह था 28 जनवरी 1948, तो ऑप्शन नंबर डी, कब? 28 जनवरी 1948।
नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान पहला राज्य था जहां वर्ष 1959 में पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। इसे सबसे पहले राजस्थान की किस जिले में लागू किया गया था? तो सबसे पहले राजस्थान की किस जिले में लागू किया गया था? तो यह राजस्थान के जो कि ऑप्शन नंबर जो कि सी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लागू किया गया था, तो नागौर। कहां से? नागौर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से अपनाए गए हैं? तो किस देश के संविधान से अपनाए गए हैं नीति निदेशक तत्व? तो यह है ऑप्शन नंबर ए, आयरलैंड। क्या है? ऑप्शन नंबर ए, आयरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस संशोधन ने लोकसभा और विधानसभा दोनों में एग्लो इंडियन के नामांकन को समाप्त कर दिया है? तो मतलब कि लोकसभा और विधानसभा से जो मनोनीत किए जाते थे इंडियन, एग्लो इंडियन, तो उनको समाप्त कर दिया गया है। तो यह है ऑप्शन नंबर सी, 104वां संशोधन अधिनियम 2019, 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पेड़ मलेरिया के इलाज के लिए दवा प्रदान करता है? तो मलेरिया के इलाज के लिए दवा प्रदान करता है, तो यह है ऑप्शन नंबर ई, सिनकोना का पेड़। क्या है? सिनकोना का पेड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, तारों के चमकने का कारण क्या है? तारों के चमकने का कारण क्या है? तो यह है ऑप्शन द्वारा ए, बादलों द्वारा प्रकाश का। यह है ऑप्शन, तारों के प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन, ऑप्शन नंबर सी। क्या है? अपवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉट, एल्युमिनियम की मोटी ऑक्साइड परत बनाने की एक प्रक्रिया है। डॉट, एल्युमिनियम की मोटी ऑक्साइड परत बनाने की एक प्रक्रिया है, तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो यह है ऑप्शन नंबर बी, एनोडाइजिंग। क्या है? एनोडाइजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसमें टैडपोल वयस्क मेंढक से विकसित होते हैं। उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसमें टैडपोल वयस्क मेंढकों में विकसित होते हैं, तो यह है ऑप्शन नंबर बी, कायांतरण या मेटाफॉर्मिसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूरी दुनिया में सबसे तेजी से घटने वाला संसाधन निम्नलिखित में से कौन सा है? तो यह है ऑप्शन नंबर ए, वन। क्या है? वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 वर्ष पहले देव और दिनेश की औसत आयु 20 वर्ष थी, आज देव और दिनेश और चिंतन की औसत आयु 25 वर्ष है, तो 7 वर्ष बाद चिंतन की आयु क्या होगी? तो 7 वर्ष बाद जो कि चिंतन की आयु, ऑप्शन नंबर बी, 34 वर्ष।
निम्नलिखित समीकरण का मान क्या होगा? तो कल की जरा ये क्वेश्चन है मित्रों, सेम क्वेश्चन है, तो इसका ऑप्शन होगा 2400। क्या होगा ऑप्शन नंबर जो कि बी है, 2400। क्या है? 2400। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरल कीजिए। तो सरल कीजिए, तो यह ऑप्शन नंबर बी 5/10। क्या है ऑप्शन नंबर बी 5/10। नेक्स्ट क्वेश्चन, दर्शन ने प्रारंभिक परीक्षा में 1200 के अधिकतम अंक के साथ 85% और मुख्य परीक्षा में 800 अधिकतम अंक के साथ 70% अंक प्राप्त किए। यदि दोनों परिणाम परीक्षाओं को संयुक्त प्रतिशत पर आधारित है तो संयुक्त प्रतिशत है, तो संयुक्त प्रतिशत है, तो आप लोग सॉल्व करिएगा, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी 79। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंदर्प, पंचसर और पुष्पंधवा यह निम्नलिखित में से किसका पर्यायवाची शब्द है? तो यह है ऑप्शन नंबर बी कामदेव का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? तो गलत का देखिए, भूधार भूधन उधार सही है, तव निंद्र अवनी धन इंद्र, अनुदित अनुधन दित, श्रद्धानंद श्रद्धन आनंद, तो ये ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, असरफियां लूटे और कोयले पर मुहरे लोकोक्तियां का अर्थ क्या होगा? तो असरफियां लूटे और कोहले पर मुहर लोकोक्तियां का अर्थ क्या होगा? तो ये है ऑप्शन नंबर बी, बड़े बड़े खर्चों पर ध्यान न देना और छोटे खर्चों पर कंजूसी दिखाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा वाक्य अशुद्ध है? रात उसका प्राण पखेरू उड़ गया, तो ये अशुद्ध की बात कर रहा है, तो यह है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विवेदी युग के प्रवर्तक कौन है? तो द्विवेदी युग के प्रवर्तक जो कि ऑप्शन नंबर डी आचार्य महावीर प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंटोनिम रैबिट? तो यह है एंटोनिम रैबिट, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए कंजर्वेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग एडिम ए मैन ऑफ स्ट्रेप। तो यह है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए पैराग्राफ का है, तो यह है इच सेल्फ पोर्ट्रेट इच न्यू थिंग। तो ये है ऑप्शन नंबर जो कि क्या कह रहा है कि इट्स सेल्फ पोर्ट्रेट इज न्यू थिंग। द पोर्ट्रेट न्यू थिंग पेंटर्स एंड फोटोग्राफर्स। तो ये है ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म इज नॉट मेंशन द पैसेज? तो ट्विटर का जो कि नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या ज्ञात कीजिए। तो दिए गए विकल्पों में विषम संख्या को ज्ञात कीजिए। तो यह है जो कि 50-61, क्या है 50-61। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रैल 2021 की किन तारीखों को बुधवार था? तो अप्रैल 2021 की किन तारीखों को बुधवार था? तो यह ऑप्शन नंबर बी, 4, 11, 18 और 25। नेक्स्ट क्वेश्चन, बरखा और चंद्रेश भाई बहन हैं। मनीष के दो बच्चे और सुरेश की बेटी बेटा है जो हंसा का ससुर है। हंसा का एक बेटा है, चंद्रेश सुरेश का दामाद नहीं है। बरखा सुरेश से किस प्रकार संबंधित है? तो बरखा जो कि सुरेश से किस प्रकार संबंधित है, तो यह है जो कि ऑप्शन नंबर सी, पोती, क्या है, ग्रैंड डॉटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कह रहा है कि देखिए कारण और निष्कर्ष का क्वेश्चन है, तो आइए कथन को हम लोग देखते हैं। कथन है, कुछ रेलगाड़ियां सड़कें हैं, कोई सड़क जंगल नहीं है और सभी फूल जंगल हैं। तो निष्कर्ष की बात करते हैं तो कुछ रेलगाड़ियां फूल हैं, कुछ रेलगाड़ियां जंगल हैं और कुछ फूल रेलगाड़ी हैं, कोई सड़क फूल नहीं है। तो क्वेश्चन जो कि इसमें ऑप्शन नंबर डी, केवल 4 अनुसरण करता है, क्या, केवल 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कह रहा है कि इस प्रश्न में दो कथन ए और बी दिए गए हैं। ये कथन या तो स्वतंत्र कारण हो सकते हैं या कारण या सामान्य कारण के प्रभाव हो सकते हैं। इनमें से एक कथन दूसरे कथन का प्रभाव हो सकता है। दोनों कथनों को पढ़ें और निर्णय लें। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर विकल्प इन दोनों के कथनों के बीच संबंध को सही ढंग से दर्शाता है? तो सही ढंग से दर्शाता है। तो कथन क्या कह रहा है कि बेहतर रेलवे नेटवर्क, जैसे रेलवे लाइन बनाने के लिए बजटीय आवंटन में वृद्धि हुई। भी क्या कह रहा है कि हवाई यात्रा चुनने वाले यात्रियों की संख्या में काफी गिरावट आई है। तो ये है ए और बी, जो कि किसी सामान्य प्रभाव के कारण सही है ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सेना के लिए पहले अस्थाई आधार नामांकन केंद्र का उद्घाटन भारत में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में किया गया? तो भारतीय सेना के लिए पहले अस्थाई आधार नामांकन केंद्र PEC का उद्घाटन भारत के निम्नलिखित में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में किया गया? तो यह है ऑप्शन नंबर डी, नई दिल्ली, क्या है, नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय ने हाल ही में राज्यों में अग्निमिशन सेवाओं के विस्तार और आधुनिकीकरण की योजना शुरू की? विस्तार और आधुनिकीकरण की योजना शुरू की राज्यों में अग्निशमन सेवाओं के विस्तार और आधुनिकीकरण योजना शुरू की, तो यह है ऑप्शन नंबर डी, गृह मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूरे भारत में पोषण संबंधी समझ को बढ़ावा देने के लिए महिला एवं बाल मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय पोषण माह का कौन सा संस्करण प्रस्तावित किया गया है? तो राष्ट्रीय पोषण माह का जो कि यह संस्करण है ऑप्शन नंबर बी, छठा, क्या है, सिक्स्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, संग्रह राष्ट्रों के लिए सुरक्षित भोजन वैश्विक खाद्य नियामक प्राधिकरण हैंडबुक दुनिया भर के 76 देशों के खाद्य नियामक प्राधिकरणों का एक व्यापक डेटाबेस है। संग्रह ने केवल हिंदी और अंग्रेजी में बल्कि 6 भारतीय भाषाओं में भी उपलब्ध है। यह निम्नलिखित में से किस भाषा में उपलब्ध नहीं है? तो नहीं है की बात हुई है मित्रों संग्रह की, तो यह है ऑप्शन नंबर सी, उड़िया, क्या है, ऑप्शन नंबर सी, उड़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 की तीसरी वर्षगांठ के जश्न के दौरान लॉन्च किए गए नव भारत साक्षरता कार्यक्रम की टैगलाइन क्या है? तो जो कि इसका टैगलाइन है, जन जन साक्षर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने हाल ही में IBSC विश्व खेलों में स्वर्ण पदक जीता? तो ये है ऑप्शन नंबर बी, भारतीय महिला ब्लाइंड दृष्टिबाधित क्रिकेट टीम। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2023 के लिए 78वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा की थीम का नाम बताएं। तो यह है सतत विकास के लिए, यह है विश्वास का पुनर्निर्माण और वैश्विक एकजुटता को जागृत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में यूरोपीय आयोग ने डेटा गोपनीयता ढांचे के लिए अपना पर्याप्त निर्णय अपनाया। पर्याप्त निर्णय के आधार पर व्यक्तिगत डेटा यूरोपीय संघ से निम्नलिखित में से किस देश की कंपनियों ने स्वतंत्र रूप से प्रवाहित हो सकता है? स्वतंत्र रूप से प्रवाहित हो सकता है, तो यह ऑप्शन नंबर डी, USA। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने विश्व खनन कांग्रेस 2023 के किस संस्करण की मेजबानी की? विश्व खनन कांग्रेस, मेजबानी की, तो यह है ऑप्शन नंबर ए, 26वें में, क्या है, ऑप्शन नंबर बी, 26वें। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिम स्क्वायर को 26 जुलाई 2023 को नैरोबी केन्या में आयोजित IPC
59वें सत्र में सातवें मूल्यांकन चक्र के लिए आईपीसीसी जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल अध्यक्ष के लिए चुना गया, वह निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? तो ये है ऑप्शन नंबर बी, यूनाइटेड किंगडम। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना एनपीसी के तहत मिशन है। एनएपीसीसी के अंतर्गत कुल कितने मिशन को लॉन्च किया गया? टोटल जो मिशन लॉन्च किया गया है तो यह है 8, ऑप्शन नंबर डी। क्या है? 8, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय विज्ञान संस्थान आईआईएससी की स्थापना 1909 में मैसूर शाही परिवार, भारत सरकार और निम्नलिखित में से किस उद्योगपति के बीच दूरदर्शी साझेदारी द्वारा की गई? तो 1909 में जो की है जमशेद, ऑप्शन नंबर सी, जमशेद नुसरवानी जी टाटा। क्या थे? जमशेद नुसरवानी जी टाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? तो यह आपका मनाया जाता है 14 दिसंबर को। कब? 14 दिसंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सतमालिया हिरण अभयारण्य भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो सतमालिया, तो यह है आपका ऑप्शन नंबर बी, दादर एवं नगर हवेली। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत की राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल का गठन नहीं करता है? तो भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल का गठन नहीं करता है, तो यह ऑप्शन नंबर डी, विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, पांगी घाटी भारत की निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो पांगी घाटी जो कि ऑप्शन नंबर ए, कहां पे? ऑप्शन नंबर ए, हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलकाता में स्थित पैट विलियमसन ग्राउंड निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो पैट विलियमसन ग्राउंड जो कि है ऑप्शन नंबर डी, पोलो के लिए। किसे? ऑप्शन नंबर डी, पोलो के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी कोरोमोस संघ की राजधानी है? तो कोरोमोस संघ की राजधानी है, तो यह है ऑप्शन नंबर सी, मोरोनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने निरुक्त व्युत्पत्ति विज्ञान, भाषा शास्त्र और शब्दार्थ विज्ञान पर सबसे पुराना भारतीय ग्रंथ नामक पुस्तक लिखी? तो सबसे पुराना भारतीय ग्रंथ नामक पुस्तक लिखी, तो यह श्री एस्काचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अंतरराष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय लंदन यूनाइटेड किंगडम में है? तो यह है ऑप्शन नंबर ए, अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन। तो अब आइए गद्यांश को सॉल्व करते हैं जो कि 71 से
75 तक है। सबसे पहले गद्यांश को पढ़ना चाहिए, फिर गद्यांश को सॉल्व करना चाहिए। क्या कह रहा है कि हमारे बाल्यकाल के संस्कार ही जीवन का ध्येय निर्धारित करते हैं। यदि शैशव ही में हमारा संतान ऐसे व्यक्तियों की छाया में ज्ञान प्राप्त करेगी जिनमें चरित्र तथा सिद्धांत की विशेषता नहीं है, जिनमें संस्कार जनित अनेक दोष हैं, तो फिर उनके चरित्र पर भी उसकी छाप पड़ेगी और भविष्य में उनका ध्येय भी उसी के अनुसार अस्वार्थमय तथा अस्थिर होंगे। शिक्षा एक ऐसा कर्तव्य नहीं है जो किसी पुस्तक के प्रथम पृष्ठ से अंतिम पृष्ठ तक पढ़ने से ही पूर्ण है। तो गद्यांश को आप लोग पढ़िएगा। आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है कि जीवन की सफलता की पहली सीढ़ी कौन सी है? जीवन की सफलता की पहली सीढ़ी कौन सी है? तो यह है ऑप्शन नंबर बी, आत्मनिर्भर बनना। नेक्स्ट क्वेश्चन, शैशव के शिक्षकों का बच्चे पर क्या असर पड़ता है? ये है ऑप्शन नंबर बी, बच्चे निर्दोष और अबोध होते हैं, शिक्षकों के स्वभावगत गुणों के दोषों का उन पर असर नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वांगीण सफलता प्राप्ति का महामंत्र लेखक के अनुसार क्या है? तो ये है ऑप्शन नंबर सी, आत्मनिर्भरता और आत्मबल। क्या है? आत्मनिर्भरता और आत्मबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वार्थमय और तथा अस्थिर शब्दों का विलोम क्रमशः किस विकल्प में है? देखिए, स्वार्थ का होता है निस्वार्थ, तो ऑप्शन नंबर बी, निस्वार्थ और अस्थिर का चंचल। नेक्स्ट क्वेश्चन, सफलता कार्य आत्मनिर्भरता शब्दों के लिए लिंग क्रमशः है, तो इसके लिए लिंग क्रमशः है। सफलता प्राप्त की जाती है, कार्य किया जाता है, आत्मनिर्भरता है, ऑप्शन नंबर जो कि सी, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन गद्यांश से ही है, 76 से 80 तक, तो आप लोग गद्यांश को पढ़िएगा। आइए क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। संघ मित्र और मृत्युंजय के विषय में कौन सा विकल्प सही है? तो संघ मित्र और मृत्युंजय, तो देखिए संघ मित्र और उनके विषय की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर पहले 76 को देखते हैं। क्या कह रहा है कि देह व्याधि के निराकरण के बारे में संघ मित्र का क्या विचार था? तो उस मामले में संघ मित्र के अनुसार देह व्याधियों से मुक्ति संभव नहीं थी। इन पूरा आप लोग इसको पढ़िए। क्या कह रहे थे कि देखिए मृत्युंजय और संघ मित्र की पाटिल पुत्र के जन जन जानती, मृत्युंजय जन देवता धनवंतरी उपाधि विभूषित वैद्य थे, संघ मित्र समस्त उपाधियों से विमुक्त भिक्षुत थे, मृत्युंजय चरक और सुश्रुत को समर्पित थे, संघ जो मित्र बुद्ध के संघ और धर्म प्रथम जीवन और समानता और दीर्घायु में विश्वास था, तो द्वितीय जीवन के निराकरण और निर्माण में थे, दोनों विपरीत घटकों के समान थे, फिर भी उनके मध्य बहने वाली स्नेह सरिता का भिन्न बनाए रखती थी, लोभी बिना चैन के नहीं, यह परम आश्चर्य था, समस्त रोगों मलों की तरह त्यागने में विश्वास रखने वाले भिक्षु वैद्यराज मोह अपने निर्माण में कठिनतम थे। वैद्यराज ने अपनी वार्ता को संघ मित्र निर्माण मोक्ष का अर्थ है कि आत्मा का मृत्यु पर विजय। संघ मित्र हंस कर देह त्याग
देह द्वारा मृत्यु पर विजय मोक्ष नहीं है, और देह तो अपने आप में व्याधि समाधि है, और यह व्याधियों से दूर करके दुष्टों का छुटकारा नहीं करती है। देह व्याधि से मुक्ति को भगवान में की शरण में है। तो क्वेश्चन है क्या है, देह व्याधि के निराकरण में संघ मित्र का विचार क्या है? तो यह है ऑप्शन नंबर बी, देह जो कि व्याधि भगवान के शरण में, ऑप्शन नंबर बी। संघ मित्र और मृत्युंजय के विषय में कौन सा विकल्प सही है? यह ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवन की समृद्धता और दीर्घायु में किसका विश्वास था? तो यह है ऑप्शन नंबर जो कि डी, मृत्युंजय का। नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्मा का मृत्यु पर विजय ही मोक्ष है ऐसा किसका मानना है? तो यह है मृत्युंजय का। इसका है मृत्युंजय का। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्याधि और सुयोग शब्द में क्रमशः प्रयुक्त उपसर्ग है, व्याधि में बी और उसमें सु, तो ऑप्शन नंबर डी। क्या है ऑप्शन नंबर डी। आइए ग्राफ को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 से 85 तक ग्राफ है, जिसकी 10 शहर ए बी सी डी ई एफ जी एस तीन दूर संचार सेवाओं अल्फा बीटा और गामा के उपयोगकर्ता को संख्या को दर्शाया गया है। तो क्या कह रहा है, सभी 10 शहरों को मिलाकर बीटा और गामा के उपयोगकर्ताओं की कुल संख्या कितनी है? तो कुल संख्या है 11,250, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शहर ए में अल्फा और बीटा के साथ एक साथ उपयोगकर्ताओं की संख्या, ई में बीटा और गामा के साथ उपयोगकर्ताओं की संख्या का कितना प्रतिशत है? तो यह है ऑप्शन नंबर बी, 85.71। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी 10 शहरों को मिलाकर अल्फा और गामा के उपयोगकर्ताओं की औसत संख्या कितनी है? तो यह है ऑप्शन नंबर सी, 547.5। नेक्स्ट क्वेश्चन, शहर बी के साथ अल्फा बीटा और गामा के उपयोगकर्ताओं की कुल संख्या, शहर एच के एक साथ अल्फा बीटा और गामा के उपयोगकर्ताओं की कुल संख्या की तुलना में लगभग कितने प्रतिशत कम है? तो यह है ऑप्शन नंबर ए, 21.05%। नेक्स्ट क्वेश्चन, शहर डी की एक साथ अल्फा बीटा और गामा के उपयोगकर्ताओं की संख्या का शहर एक के साथ बीटा और गामा के उपयोगकर्ताओं की संख्या में से अनुपात है? तो ये है ऑप्शन नंबर बी, 21:11। फिर आपका 86 से प्रश्न संख्या 86 से 90 तक आपका ग्राफ है। तो आइए देखते हैं ग्राफ को, आप देखिए क्या कह रहा है कि नोट कुल विद्यार्थियों की संख्या 2200 है। ये ग्राफ में है देखिए, जो कि इस ग्राफ में आपको रेखा ग्राफ 2023 में कक्षा 6 से 10 तक के स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों को प्रदर्शित करता है। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं, कक्षा 6 और कक्षा 9 में मिलाकर विद्यार्थियों की कुल संख्या कक्षा 10 में विद्यार्थियों की कुल संख्या से लगभग कितने प्रतिशत अधिक है? तो यह है ऑप्शन नंबर सी, 187%। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कक्षा 6 में लड़कों और लड़कियों में अनुपात 6:5 और कक्षा 6 में लड़कियों की कुल संख्या कक्षा 7 में लड़कियों की कुल संख्या में 50 कम है,
तो कक्षा 6 से 7 में लड़कों की कुल संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो अनुपात है 5:1, ऑप्शन नंबर बी, 5:6। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 2024 में कक्षा 6 और 7 प्राप्तांक में छात्रों की कुल संख्या 10% की वृद्धि होती है और कक्षा 10 में छात्रों की कुल संख्या में 20% की कमी होती है, तो 2023 में 6 और 7 में मिलाकर कुल छात्रों की कुल संख्या और 2024 में कक्षा 10 में छात्रों की कुल संख्या के बीच में अंतर क्या है? तो यह है टोटल 946, ऑप्शन नंबर जो कि ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा 8 में लड़कों की कुल संख्या x है और कक्षा 9 में लड़कों की कुल संख्या x+40 है। यदि कक्षा 8 और 9 को मिलाकर लड़कियों की कुल संख्या 120 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। x का मान जो कि आपका है ऑप्शन नंबर सी, 250। कितना है? 250। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा 7 और 8 में मिलाकर छात्रों की कुल संख्या और 9 और 10 में मिलाकर छात्रों की कुल संख्या के बीच कितना अंतर है? तो ये है ऑप्शन नंबर जो कि सी, 198। क्या है? 198। फिर आपका ग्राफ है क्वेश्चन नंबर 91 से 95 तक। ये देखिए, केंद्र का सकल वित्तीय घाटा, उसका वित्त पोषण दिया गया है। आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है कि विगत वर्षों में बाजार उधार की औसत कुल वित्तीय घाटे का लगभग कितना प्रतिशत है? तो कुल घाटे का जो कि ऑप्शन नंबर बी, 9.57% है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2015-16 में से 19-20 तक औसत बजट घाटा करोड़ कितना है? 15-16 और 19-20, तो यह है ऑप्शन नंबर ए, 83,337 करोड़, 83,337 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष में वित्तीय घाटा पिछले वर्ष की तुलना में सर्वाधिक बढ़ जाता है? तो यह है ऑप्शन नंबर डी, 2018-19। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्तीय घाटे के सापेक्ष अन्य देनदारियों का प्रतिशत किस वर्ष में सबसे अधिक है? तो यह है 2018-19। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने वर्षों के लिए वित्तीय घाटे और बाजार उधार का अनुपात 2 से अधिक है? तो यह है ऑप्शन नंबर डी। देखिए, 96 से 100 तक निम्नलिखित चार्ट का पूर्व तालिका का चार्ट का ध्यान पूर्वक अध्ययन करें, नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। यह निम्नलिखित तालिका लाभ और हानि से संबंधित है और इसमें कुछ मूल्य लुप्त हैं। सभी अंकित छूट मूल्य पर हैं, लाभ का लागत मूल्य पर है। तो आइए क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है कि यदि सूट का छूट प्रतिशत और लाभ के प्रतिशत के समान है, तो सूट का अनुमानित अंकित मूल्य ज्ञात करें। तो ये होगा 3477, मतलब समथिंग आया, 78 के समथिंग आया, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि जींस का अंकित मूल्य शर्ट मूल्य शर्ट के लागत मूल्य से 420 अधिक है और शर्ट का अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 750 है, तो शर्ट पर छूट का प्रतिशत ज्ञात करें।
तो यह है जो कि ऑप्शन नंबर बी 20.4। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूट का लागत मूल्य जींस के अंकित मूल्य से कितना प्रतिशत है? तो यह है 20%। क्या है? 20%। इसमें जो कि मित्रों होगा आपका 28.27%, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड लास्ट, टी शर्ट पर छूट और लाभ प्रतिशत के अनुपात 7:5 है। टी शर्ट का अनुपात लागत मूल्य ज्ञात करें। तो टी शर्ट का मूल्य का लागत होगा 2248। अंतिम प्रश्न, यदि जींस और साड़ी के लागत मूल्य का अनुपात 4:5 है तो साड़ी का अनुमानित छूट प्रतिशत ज्ञात करें। तो इसका छूट प्रतिशत होगा 1.32। तो दोस्तों ये था 29 तारीख को जो कि पेट का तभी एग्जाम हुआ उसका सॉल्व पेपर था। तो दोस्तों मेरी अपनी तरफ से पूरा कोशिश थी कि 100% आपको सॉल्व दिया गया। अगर किसी प्रश्न पे अगर डाउट हो तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और सॉल्व आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।